मुर्गेश्वर इलाके में मामूली बात को लेकर एक बदमाश ने पोल्ट्री फार्म संचालक की कुल्हाड़ी से हत्या कर दी। मृतक देवदर्शन उर्फ बल्लू मेश्राम प्लॉट नंबर 117 न्यू नेहरू नगर पिपला फाटा हुड़केश्वर निवासी है। देवदर्शन की मेडिकल अस्पताल में मौत के बाद हत्या का मामला दर्ज किया। फरार आरोपी सूरज विलास बागड़े 25 प्लॉट नंबर 64 न्यू नेहरू नगर निवासी की पुलिस तलाश कर रही है। पुलिस के अनुसार देवदर्शन को गत 9 अक्टूबर को रात करीब 9:30 बजे आरोपी सूरज बागड़े ने मौत के घाट उतारा था। दरअसल देवदर्शन मेश्राम के मकान का काम शुरू था, उसने घर के सामने टीन रखे थे। इससे नाराज बस्ती में रहने वाला आरोपी सूरज विलास बागड़े ने घर के सामने टीन रखने पर देवदर्शन के साथ गाली गलौज की। देवदर्शन ने जब आरोपी सूरज के खिलाफ हुड़केश्वर थाने में शिकायत की तो इससे आरोपी सूरज आग बबूला हो गया। इस दौरान संजय गांधी चौक में देवदर्शन और सूरज की मुलाकात हुई और सूरज ने देवदर्शन के साथ गाली गलौज कर उसे जान से मारने की धमकी देने के बाद अपने घर चला गया। पश्चात देवदर्शन सूरज को समझाने उसके घर गया तो सूरज ने देवदर्शन के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसे गंभीर जख्मी कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही उपनिरीक्षक प्रमोद खंडार सहयोगियों के साथ घटना स्थल पर पहुंचे और घायल देवदर्शन को मेडिकल अस्पताल में भर्ती कराया। सूरज के खिलाफ धारा 307, 504, 506 के तहत मामला दर्ज किया गया है। अस्पताल में उपचार के दौरान देवदर्शन की मौत हो गई। मृतक की पत्नी सुलोचना मेश्राम की शिकायत पर पुलिस ने अब उक्त धाराओं में धारा 302 बढ़ाई है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। हुड़केश्वर हत्येमध्ये हुड़केश्वर पोलीस स्टेशनच्या एक्झॅक्ट मागे संजय गांधी नगर आहे, तिथे एक इसम नामे देवदर्शन मेश्राम याचा त्याच्या शेजारी राहणाऱ्या सूरज विलास बागडे या तरुणाशी काहीतरी अज्ञात कारणावरून वाद झाला होता। तर देवदर्शन मेश्राम हा त्याच्या घरी गेला होता, सूरज बागडे याने त्याला शिवीगाळ केली होती। देवदर्शन मेश्राम त्याला जाब विचारण्यासाठी गेला होता, शिवीगाळ का करतो? तर सूरज बागडे हा दारूच्या नशेत होता, त्याने देवदर्शन मेश्राम याच्या डोक्यावर कुऱ्हाडीचा घाव घातला। पोलीस स्टेशनला माहिती मिळाल्याबरोबर आपण तत्काळ त्या ठिकाणी घेऊन देवदर्शन मेश्राम याला GMC मध्ये ऍडमिट केले आहे। उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झालेला आहे। सदर संदर्भात सूरज बागडे याच्यावर हत्येचा गुन्हा दाखल झालेला आहे आणि तो अद्याप पावित्र्य मिळून आलेला नाही, फरार आहे, त्याचा आपण कसोशीने शोध घेत आहोत। कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।